दोस्तों, आस्तीन के सांप पालना कितना बुरा होता है या कितना बुरा हो सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वही दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने ना सपोले पाल लिए हैं अपनी आस्तीन में, और वो सपोले उनको इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं ना कि अभी उनको नहीं पता लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, वेस्टीज में टीम सोनू शर्मा और वेस्टीज में ही ग्रोस टीम, यानी कि जो सिद्धार्थ सिंह जी की टीम है, उन दोनों टीमों के दो लोगों के बीच कुछ बात हुई। और वो बात क्या हुई, बहुत ही मतलब मजा आया उसको सुन के, क्योंकि YouTube पे वो वीडियो ऑडियो पड़ी हुई थी, बेसिकली उसकी वीडियो तो नहीं थी लेकिन ऑडियो पड़ी हुई थी। और दोस्तों, मैं उस ऑडियो को आपको सुनाने जा रहा हूँ और उसी पर अपना रिएक्शन दूंगा। मैं सिद्धार्थ सर की टीम से हूँ, ग्रॉस। सिद्धार्थ सर की टीम में जो थे वहाँ से हम एग्जिट हो गए, ग्रोथ नहीं था उतना बढ़िया ना। अब यहाँ पे देखिए बेवकूफ क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ग्रोथ टीम में ना ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए मैं टीम सोनू शर्मा में आ गया। अब एक बात बता भाई, अगर ग्रोथ टीम में ग्रोथ नहीं होती तो सिद्धार्थ सिंह का खुद का चेक 1 से 1.5 करोड़ का कैसे पहुंचता, या उसके अलावा और भी जो लोग जितने भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं हम सबकी बात करेंगे, लेकिन जितने भी लोग कमा रहे हैं, अगर ग्रोथ नहीं होती तो वो लोग कैसे पहुंच गए। और टीम सोनू शर्मा की बात कर रहा है भाई, टीम सोनू शर्मा ने जनवरी 2021 के बाद चेक किसने दिखाया है, सोनू शर्मा ने खुद नहीं दिखाया। कहाँ के रहने वाले? दरभंगा। बिहार से ही हो आप लोग? अच्छा, अभी बिहार से? सारे बिहार वाले लोगों को चूतिया बनाया सोनू शर्मा ने? नहीं नहीं भाई, केवल बिहार वाले लोगों को ही नहीं, उसने काफी जगह के लोगों को बेवकूफ बनाया, और ये ऑल ओवर इंडिया से हैं। अब तो इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी सोनू शर्मा के नाम पे ही खा रहे हैं ये, और इनके पास है ही क्या दिखाने को, कुछ नहीं है और इनके पास दिखाने को। कितने टाइम पहले जुड़े हो TSS में? हम तो जनवरी में आए। चेक भेजो, इस दो महीने के चेक भेजो। जनवरी का हमारा चेक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम काम नहीं कर किए हैं, ठीक है। बट हमारे जस्ट ऊपर जो मेरा ज्वाइनिंग लगवाए थे ना, उनका चेक बना 18,372 का बना था। आपने काम क्यों नहीं किया, झुनझुना बजाने के लिए थोड़ी जुड़े थे टोनू शर्मा शर्मा। अब ये देखो, ये बेवकूफ पंती है ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमेशा करते हैं। जैसे ग्रोस टीम वाले ने TSS की टीम वाले बंदे से चेक मांगा कि भाई तू जनवरी में जुड़ा है, चेक शेयर कर, तो बंदा बोलता है कि जनवरी में मेरा चेक ही नहीं बना, मैंने काम नहीं किया, मेरे ऊपर वाले का है। अरे भाई, तुम अपने क्यों नहीं दिखा रहे, तुम्हें जनवरी का भले ही 200-300 रुपए का है, दिखाओ ना। अब ये बंदा जो कह रहा है कि मैं जनवरी में जुड़ा हुआ हूँ, जनवरी में मैंने काम नहीं किया, फरवरी में काम नहीं किया, क्या गारंटी है कि तू जनवरी में जुड़ा हुआ है? अपना आईडी नंबर शेयर कर जरा, तेरा भी पता लगा लेंगे तू कितने महीने से जुड़ा हुआ है और कितना काम हुआ है। ये बताओ, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ग्रोथ में ग्रोथ नहीं है? सोनू शर्मा के जैसा 50 से ज्यादा लोग है ग्रोथ में, और सोनू शर्मा को अभी दोबारा पैदा लेना पड़ेगा ग्रोथ के जितना ग्रोथ लेने में। ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है कि सोनू शर्मा को है ना ग्रोथ जैसी ग्रोथ लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने जल्दी जल्दी करके तो 30 लाख रुपए का अपना चेक पहुंचा दिया जनवरी 2021 से पहले, लेकिन जब जनवरी 2021 के बाद उसका चेक डाउन आया ना, तो उसने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि इन लोगों को है ना ज़्यादा चेक दिखाने में मज़ा आता है। अब जनवरी 2021 के बाद चेक बना नहीं है ज़्यादा, तो भाई सिद्धार्थ सिंह जैसी ग्रोथ तो नहीं ले पाया, क्योंकि सिद्धार्थ सिंह ने है ना बहुत मतलब वैसा काम नहीं किया जैसे सोनू शर्मा ने किया है, तो सोनू शर्मा तो मतलब काटने में बिलीव रखता है। हम सेफ शॉप से आए थे, ठीक है, सेफ शॉप से आए थे, और वहाँ से क्या कहते हैं, वहाँ भी कुछ इशू हुआ था, तो समझ सकते हैं वैसा कुछ हुआ कि हमको आना पड़ा, हमको मूव करना पड़ा जॉब की वजह से, ठीक है। वेस्टीज में किसके साथ जुड़े थे, ग्रॉस में थे या वॉरियर में? ग्रॉस में ही थे। मतलब ये TSS वाला बंदा इतना बड़ा बेवकूफ है, पहले सेफ शॉप में था, वहाँ से कह रहा है कुछ इशू हुआ, फिर वेस्टीज ग्रोस टीम में गया, अब वेस्टीज की TSS की टीम में गया, कल को वेस्टीज कोई और टीम आएगी या कोई और कंपनी समझ में आएगी वहाँ चला जाएगा। दोस्तों, इन जैसे लोगों का भरोसा करना है ना अपने आप में भरोसे वाले के भेस में भो मतलब वाला बनना होता है ना, मैं बोलूँगा नहीं शब्द आप समझ गए होंगे, तो ये लोग इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो भाई साहब इनके चक्रों मत पड़ो, इनका तो खुद का विजन ही क्लियर नहीं है, आपका क्या विजन क्लियर करेंगे? मैन अपलाइन कौन थे? मैंने अपलाइन तो यहाँ पे गणेश सर थे हमारे, यहाँ पे सिल्वर डायरेक्टर थे। अरे भाई, सिल्वर उल्वर को तो मैन अपलाइन बता रहा है, UCD बता कौन? मतलब ये बात इस बंदे ने बिल्कुल सही बोली। अबे सिल्वर जो डायरेक्टर होता है वो अपलाइन होता है क्या? अबे इतना बड़े बेवकूफ हो, मतलब तुम सिल्वर डायरेक्टर कौन अपलाइन बताता है? उसने ये नहीं पूछा बंदे ने इमीडिएट अपलाइन कौन है, उसने ये बोला भाई अपलाइन कौन है, भाई अपलाइन UCD DUCD कोई ऐसा तो बता जो नाम कोई जानता हो। अबे इतने बड़े बेवकूफ, मतलब क्या चोमू शर्मा की टीम में क्या तुमका क्या तुम्हारा हो रहा है? बेटा सुनो, भक्ति में रहोगे ना चू जाओगे, तो भाई साहब वैसी परिस्थितियां तुम्हारे साथ ना आए उससे पहले समझ जाओ।
मैन अपलाइन कौन थे, जैसे मोइन खान है, संतोष यादव, उसमें से मैन अपलाइन कौन थे? उनका प्रोग्राम संतोष खान, संतोष यादव का आता था प्रोग्राम। अच्छा, संतोष यादव का, तो अपर अपलाइन में वो थे। संतोष यादव का जो चेक है ना अभी 20 लाख खरीद पड़ेगा। हाँ, उससे कम चेक है आपके जो मेंटोर है, जिसको आप बहुत ग्रोथ वाले बोल रहे हो। किसका चेक? सोनू शर्मा का। सोनू शर्मा का भी 30+ है। चेक मांग लो अभी उससे, 3 महीने का चेक मांग लो, मैं पूरी टीम के साथ जुड़ जाऊंगा। सोनू शर्मा का चेक मांग के भेजो मेरे को। ये देखो, ग्रोस टीम जो है ना, जो बेस्टीजी ग्रोस टीम है, उसके बंदे ने भी चैलेंज दिया है सोनू शर्मा के बंदे कि भाई साहब 3 महीने का लास्ट का चेक दिखा दो। और इन लोगों को है ना, TSS वालों को केवल यही बताया गया कि बस सोनू शर्मा का जो चेक है 30 लाख+ है, सोनू शर्मा दिखाता नहीं है कभी। तो भाई साहब लास्ट के 3 महीने का चेक मांगो उससे, लास्ट के 3 महीने का क्या, बल्कि जनवरी 2021 से अब तक का चेक मांगो, कितना डाउन गया है ना, आपको खुद पता चल जाएगा। और एक चीज मैं पूछूंगा, तू सोनू शर्मा को किस आधार पे बोल रहा है बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, किस बेसिस? अभी तक तो हमको लगा मतलब कुछ आधार तो होना चाहिए, लगने का क्या आधार है? ये लो, फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम पूछा किसके बेसिस से बोल रहा है, तो कह रहा है मुझे लगा। अबे भाई, ऐसा तो तुझे दिन में बहुत चीजें लगती होंगी, मतलब कोई भी तुझे आके बना जाएगा और तू बन जाएगा। वाह भाई वाह, मतलब ये TSS वाले भक्ति में, इतना भक्ति में डूब चुके हैं, इनको कोई भी कुछ भी बोले ये मान लेंगे। इतने बड़े वाले बेवकूफ हो तुम यार, मतलब क्या यहीं से, मतलब जहाँ से सब पैदा होते हैं वहीं से हुए हो, या धरती में से फटके निकले हो सब लोग? पर एक साल मैंने काम किया था, ठीक है, पहुंचते पहुंचते खींचते खींचते खिंचाए। अच्छा, काम किया आपने वेस्टीज में? हाँ, एक साल किया था मैंने काम। वेस्टीज का जो अभी टीम बिल्डिंग बोनस मिलता है, कितना परसेंट मिलता है? TSS टीम बिल्डिंग 2% था इसका। हो गया, तूने साले एक साल काम किया है, प्लान है मालूम है तुझे पहले? सही उधेड़ा है, सही उधेड़ा है भाई, बिल्कुल सही उधेड़ा है। मतलब एक साल ये कह रहा है कि मैंने काम किया है, TSS वाला बंदा कह रहा है मैंने ग्रोस टीम में एक साल काम किया है, और साले को टीम बिल्डिंग बोनस का नहीं पता। अबे तुम कितने मतलब बड़े वाले, और कह रहा है कि मैंने काम किया है, मतलब तुझे यार, सही कह रहा है अगला बंदा, तुझे प्लान के बारे में नहीं पता, एक साल तूने क्या किया है, तुझे तो प्लान के बारे में खुद ही नहीं पता, तो दूसरे को क्या बताया होगा? मतलब अपलाइन को बुला रहा होगा, जब अपलाइन नहीं आया तो तूने छोड़ दिया। अरे यार, मतलब दूसरे को दोष मत दिया करो, मतलब जैसे ये दे रहा है ना कि मतलब ग्रोस टीम वाले ने मुझे ये कर दिया, मतलब पता है तुम्हारा, मतलब कितने तुम है ना पानी में हो टीम सोनू शर्मा वाले। प्लान का तुम्हें पता नहीं, कोई तुमसे ये पूछे कितने लोगों से मिले हो वो तुम बता नहीं पाओगे, उनमें से कितने भाई सेल्स का है ना रेशियो होता है, तो तूने इतना काम ही नहीं किया होगा, कहाँ से कन्वर्ट होंगे तेरे, मतलब बेवकूफ बना रहा है खुद यार दूसरी जनता को। नहीं, आपको चेक से, प्लान से पैसा आएगा, नहीं आपको प्रोडक्ट से पैसा आता है, टीम माहौल से पैसा आता, बोलो माहौल से पैसा आता। तो ऐसा करना है, 10 छमिया को नचवा करके पैसा उड़वा, बहुत पैसा मिलेगा, तू उस वाले माहौल से पैसा कमा। तो सोनू शर्मा का चमचा काहे बना पड़ा है, जब माहौल से ही पैसा आता भाई, बिहार में बहुत सारा ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें घुस जा, अंधाधुन पैसा कमा लेगा तू। सही बोला है भाई, नचनिया को नचवाओ, पैसा पैसा मिलेगा। अरे यार, मतलब आप ये बताओ, मतलब प्लान बताने से पैसा नहीं आएगा, प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं आएगा, और किस चीज़ से पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में? मतलब क्या तुम नंगे होकर दौड़ने लगोगे उस चीज़ से पैसा आता है? मतलब यार, ऐसी ऐसी बातें तुम कर रहे हो कि मतलब इस चीज़ से पैसा नहीं आएगा, उस चीज़ से पैसा नहीं आएगा। अब भाई, अगर तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो प्लान और प्रोडक्ट पे तो पता होना चाहिए, मतलब प्लान प्रोडक्ट और पेमेंट प्लान तो मैं नहीं पता होगा, पैसा आ जाएगा कैसे आ जाएगा? मतलब सामने वाले को मिलके अपने वश में करना जानते होगा तुम, कि प्लान और प्रोडक्ट से पैसे नहीं आएंगे? अब बेवकूफ इंसान, ठहर जा वरना बर्बाद हो जाएगा। पूरे टीम सोनू शर्मा में इतने चूतिये भरे पड़े हैं ना, क्योंकि उनको कभी नया आदमी को जोड़ना नहीं आता है, जुड़े हुए लोगों को ही अप्रोच करना आता है उसे, क्योंकि उसको मालूम है कि पूरे टीम में ये कुब्बत और औकात नहीं कि साला नए लोगों को जोड़ ले, तो जुड़े डिसीजन को ही तोड़ते है वो। और कैसे तोड़ते मालूम है? मैसेज किसने डाला पहले देख, तूने मेरा प्रोफाइल नहीं देखा? प्रोफाइल देखा, मैंने देखा प्रोफाइल, ये तो मैंने आपको ये तो प्रमोट नहीं किया कभी, मैं कि आप मेरे साथ आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, तूने मेरा प्रोफाइल देखा फिर भी तूने मैसेज किया मुझे? अब ये देखो, ये आई है सबसे बड़े काम की बात, मतलब ये जो TSS के लोग है ना, इंटरनली वेस्टीज को तोड़ रहे हैं, वेस्टीज की टीम के लोगों को तोड़ रहे हैं। यही कारण है कि पिछले 1 से 2 से 3 सालों में वेस्टीज के कई बड़े बड़े लीडर वेस्टीज को छोड़ के गए हैं। आपको उसका कारण नहीं पता होगा, लेकिन इसका असली कारण ये है। और दोस्तों, इसके अलावा इस बंदे ने बहुत सही बात बोली, टीम सोनू शर्मा के लोगों को नए लोगों को जोड़ के काम करना ही नहीं आता, या अगर नए लोगों को जोड़ते भी हैं तो वो इनके साथ काम नहीं कर पाते टीम सोनू शर्मा वालों के साथ। पता है क्यों? क्योंकि आते ही उनसे एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर या हर महीने 100-100 PV की डिमांड रखते हैं, जो कि हर बंदा नहीं कर पाता। हमारे देश में हर बंदा एक बार कर सकता है, हर महीने नहीं कर सकता। तो उस वजह से भी ये टीम सोनू शर्मा डीग्रो कर रही है, और ये लोग इंटरनली वेस्टीज की टीम के दूसरे लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं। और इस पे जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, जो ये वेस्टीज के ओनर बने बैठे हैं तीनों, बाली, सूद और कमरवीर, वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो भाई साहब, अगर तुम नहीं बोलोगे ना, तो ऐसे ही ये सिस्टम सारा खोखला होगा।
तो दोस्तों इन जैसे लोगों से बचिए, क्योंकि ये ना ये देखो ये लोग आपको खाने में लगे हुए हैं। इन जैसे लोगों से अगर आप अपना बचाव नहीं करोगे ना, आपके पूरे सिस्टम को, आपके पूरे मतलब खानदान को, आपकी पूरी रिश्तेदारी को, आपकी दोस्ती को, सबको तहस नहस करके रख देंगे ये लोग आपके साथ मिलके, और आपको पता भी नहीं चलेगा। मीठा जहर बन के आते हैं ये, मैं अधिकतर लोगों के साथ इनके साथ यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग वालों के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस आपको यही समझाना चाह रहा था, इन मीठे जहरों से बचिए। जो मतलब देखो सपोले पाल रखे हैं खुद वेस्टीज ने, जो सपोले पाले हुए हैं ना, अब ये खुद ही दूसरों को डस रहे हैं इन्हीं की कंपनी के। तो ऐसे लोगों से दोस्तों बचो। दोस्तों थैंक यू सो मच, बस यही आपको समझाना चाह रहा था। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर पर्सन को इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।